अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सारे लोगों ही को शबे बरात का बेसब्री से इंतज़ार है कि शबे बरात आए ताकि हम उस रात अल्लाह तबारक ताला की इबादत करें और शब्बेदारी करें और ख़ूब नवाफिल की कसरत करें, हम अपनी तमाम दुआओं को अल्लाह ताला से मांगें। लेकिन लोग कंफ्यूज हैं कि शबे बरात कब है, किस दिन है, कौन सी तारीख़ है, तो मैं वह आप लोगों को डेट तारीख बताता हूं ताकि आप लोग मुकम्मल तरीके से उसका इंतज़ार करें और उस शबे बरात में आप लोग खूब खूब शबेदारी करें। 28 मार्च, ये आने वाली 28 मार्च, आज तकरीबन शायद 17 है, तो ये 28 मार्च और 14 शाबानुल मुअज़्ज़म यानी कि चांद की 14 तारीख, 15वीं शब जो होती है, 15 शाबान, तो जो 15वीं शब ही में जागा जाता है, तो 14 शाबान की जो रात होगी, दिन होगा इतवार का, और अंग्रेज़ी की जो तारीख़ होगी वो 28 मार्च होगी, आने वाली 28 मार्च, और दिन इतवार, जब ये इतवार का दिन गुजर जाएगा तो वो जो रात आएगी वो शबे बरात होगी, 15वीं शब होगी। तो सारे लोग ही उसमें जागें, अल्लाह तबारक तआला से दुआएं करें। ये रात बहुत ही बहुत ज़्यादा बरकत वाली रात है और इस रात अल्लाह तबारक तआला की खूब खूब इबादत करें। फ़ज़ाइल इस रात के बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो आप सारे लोगों से गुजारिश है कि इस मैसेज को लोगों तक पहुँचा दें, शेयर कर दें, ताकि इसका लोगों को एक इंतज़ार रहे, ताकि इबादत में जो लुत्फ़ होना चाहिए वो लुत्फ भी रहे कि भाई हम इतने दिन से इस रात का इंतज़ार कर रहे थे, तो अब जब ये रात आई है तो हम खूब खूब इसमें अल्लाह की कसरत से इबादत करें, उसका जिक्र करें। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाली शबे बरात में हम सारे लोगों को खूब नवाफिल पढ़ने की, खूब अपनी जायज़ और नेक मकसद में कामयाबी के लिए दुआ करने की, और अल्लाह ताला खूब खूब हमें इस्तग़फ़ार पढ़ने की और तौबा करने की और खूब नवाफिल पढ़ने की कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करने की तौफीक अता फ़रमाएँ। अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।